शस्त्र, शैतानी रास्ते, गित गित तबाही, अद्भुत शस्त्र ओडीन, खुल जा, रास्ता दे असगार्ड को। रास्ता दे खुल जा और रास्ता दे असगार्ड को। आज का ये दिन शैतानी लग रहा है। बाल्डी, नॉर्नस ने पिताजी को क्यों बुलाया है? तकदीर बुनने वाले पिताजी को जल्द ही बताएंगे। अब जल्दी करो, दरवाजा जल्द ही बंद हो जाएगा। हम पर शैतानी साया है, मुझे नॉन से मिलना होगा। ठीक है, हम साथ चलेंगे पिताजी। ये मुझे अकेले ही करना होगा। तुम वलाला की सुरक्षा में पहुंचो। चलो आओ। जल्दी करो, दरवाजा बंद हो जाएगा। आओ। उनके शैतानी इरादों ने अपना असर फैला दिया। और कोई इतनी जल्दी नहीं, और कोई इतनी जल्दी नहीं। ये काला दिन है ओडीन, असगार्ड के राजा, इसलिए आपको हमसे मिलने यहाँ बुलाया गया है। मैं किसी और के लिए नहीं आता। क्या बात है बताइए, और वही बात होने दीजिए। मैंने आकाश में तारों का सपना देखा था जो काले हो रहे थे, इसका मतलब क्या है? ये शुरुआत है। किस बात की शुरुआत? क्या तुम अद्भुत शस्त्र लेकर आए थे? वो अद्भुत शस्त्र मेरे पिता ने मेहनत से बनाया था। जिंदगी के पेड़ के बीचों बीच से उनकी शक्ति है उस अद्भुत शस्त्र में। वो अद्भुत शस्त्र एकलौता हथियार है जो शक्तिशाली पेड़ को काट सकता है जिससे वो आया है।
जिंदगी का जरिया जिस पर आम धरती और बाकी दुनिया निर्भर है। अब लोकी वो जिंदगी हथियाने आ रहा है तो तुम्हें वो अद्भुत शस्त्रों से देना ही होगा। लोकी को कभी नहीं। तबाही का वक्त आ चुका है। आज का सूरज डूबने से पहले सारी दुनिया का नाश होने वाला है। अजगर की धरती का और पाप की सारी दुनिया का, और तुम ये रोकने के लिए शक्तिहीन हो। ठीक है, देख लेंगे। धूल आओ। क्या ये तकदीर है? एक दुनिया तबाह कर दो, फिर दूसरी हिला दो। ऐसा ही तो ये हुआ है। तुम्हारी तबाही तय है और तुम्हारे साम्राज्य की तबाही शुरू हो चुकी है। मैं तकदीर में यकीन नहीं करता। शस्त्र थूड़ो गार्मर, मुझे योडिन से मिलना है। समझ रहे हो ना मुझे? सुनने की जरूरत नहीं है। हम अपनी तकदीर खुद बुनेंगे। हम उसे नियंत्रित कर सकते हैं। इसलिए तो तुम मेरे छोटे भाई हो। हम हार नहीं मान सकते। ऐसीर का देवता कभी हार नहीं मानता। मैं मेरी मौत का सामना बड़ी हिम्मत और दिलेरी से करूंगा, और मैं तुम्हें भी यही सलाह दूंगा। मौत हुआ। मुझे ओडिन से मिलना है। ओडिन तुमसे कभी बात नहीं करेगा। मेरे लिए अद्भुत शस्त्र धूड़ो गार्मर, तुम्हें देने के लिए वो अद्भुत शस्त्र तुम्हारा नहीं है। ओडिन! ओडिन! मुझे अद्भुत शस्त्र चाहिए। हमारी किस्मत हम पर है। तुम दोनों लैब के जानवर पर हमला करो, मैं बीच वालों को चीरता हूँ। हम बीचों बीच मिलेंगे। जी पिताजी। जी पिताजी। तुम अपने भाई के पीछे रहो। पर पिताजी, मैं लड़ सकता हूँ, मैं डरा नहीं हूँ। नहीं बेटे, तुम्हारी काबिलियत पर शक नहीं है, पर तुम्हारा तजुर्बा और तुम्हारी जरूरत मुझे जंग के आखिर में होगी। जी पिताजी। शक्ति और सामर्थ्य। शक्ति और सामर्थ्य। शक्ति और सामर्थ्य। शौर्य और सामर्थ्य।
वो मेरी बगल में ही था कसम से, अचानक से वो चला गया। मैं मेरे दोनों बेटों के साथ मरना चाहता था। ओडिन! ओके, तुम ये मत समझना कि मैं हार मान लूंगा। तुम भविष्य रोक नहीं सकते ओडिन, मुझे अद्भुत शस्त्र दो, समझ रहे हो ना मुझे? मुझे अद्भुत शस्त्र दे दो ओडिन, हमें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं चला जाऊंगा, सच कहता हूं चला जाऊंगा। पिताजी, थोर को मौका दीजिए, हमारी तकदीर बदलने का। आखिरकार ये मेरा हुआ। तुम्हें ये चाहिए, जहां से आए वही जाओ। कहां भेजा तूने वो अद्भुत शस्त्र, बता। थोड़ो से हर गुफा में अस्कार्ड के हर पेड़ पर, जल्दी। मुझे माफ कर दो,
मुझे माफ कर दो भाई, मुझे क्या करना चाहिए? पिताजी, पिताजी। थोर, तुम जाओ, तुम जाओ। हाँ, पर आपका जख्म कहाँ है पिताजी? कहाँ है बताइए ना। उसके लिए वक्त नहीं है, समय हो चुका, उसे बर्बाद मत करो, उसे किसी और काम के लिए इस्तेमाल करो। मेरे पिता के उस अद्भुत शस्त्र को मैंने उसे जिंदगी के पेड़ के दिल में भेज दिया है, तुम उसे फिर से हासिल करो लोकी के पहले। अद्भुत शस्त्र को भूल जाइए पिताजी, मुझे लोकी चाहिए आपकी मौत का बदला लेने के लिए और मेरे भाई के। मेरे बेटे, तुम अब भी दिल से सोच रहे हो, दिमाग से नहीं। अद्भुत शस्त्र आएगा, जैसे ही पूरा चांद दिखेगा, कल थोड़ी देर के लिए तुमने उसे हासिल नहीं किया तो हमेशा के लिए गुम हो जाएगा। तुम्हें उसे हासिल करना है मेरे बेटे। जी पिताजी। तुम राजा हो, तुम हमारी उम्मीद हो, जो अच्छा है उसे बचाना होगा। इंसान की किस्मत बदलने की, देवताओं की किस्मत बदलने की, थोर तुम मेरे बेटे हो। असली डरपोक जमीन पर लेटा है। मैं जब तुम्हारे बाप को मार रहा था, उसकी गिड़गड़ाहट सुननी चाहिए थी तुम्हें। मेरे पिता तुम्हारे सामने गिड़गड़ा नहीं सकते। ओह, वो रोया, वो गिड़गड़ाया, विनती की कि मत। झूठे, तुम डरपोक हो, मुझसे योद्धा की तरह लड़ो। अद्भुत शस्त्र कहाँ है मुझे बताओ। बकवास बंद करो और लड़ो। मरने से पहले तुम्हारे बाप ने मुझे बताया था, मैं सूंघ सकता हूं तुम्हें देखकर। कहां है वो शस्त्र? उन्होंने कहा तुम तुम्हारे कुत्ते की तरह बेकार हो। कर रही हो? चलो चलो निकलो यहां से। ढूंढो उसे, जैसे चाहो वैसी लड़की को मार दो, पर थोर को जिंदा रखना। जाओ।
मैं थोर हूं। मैं जानती हूँ। तुम कौन हो? मैं जर्न साक्षा हूँ, तुम्हारे पिताजी की सेविका, तुम्हारी रक्षा के लिए भेजा है। तो फिर मेरे पिता के कत्ल का बदला लेते हैं, चलो। मैं अकेले लोकी को मार नहीं सकती और तुम उसके लिए अभी काबिल नहीं हुए। तुम नहीं जानती कि क्या? चुप रहो। चलो, हमें निकलना होगा। हमें प्रशिक्षण केंद्र तक पहुंचना होगा। ओडिन, तुम्हारी दुनिया खत्म हो चुकी है, आने वाली मेरी होगी, और तुम्हारी जिंदगी का मेड़ खत्म हो गया है। ओ मेरे पालतू, तुमने छोड़ा उसे, अब मेरे आगे चलो। मैं लोकी जैसे डरपोक से दूर भागते हुए नहीं रह सकता। तुम अकेले लोकी से मुकाबला कर सकते हो? हाँ, मैं कभी लड़कियों से नहीं लड़ता। मैं एक लड़की जरूर हूँ, लेकिन तुमसे तीन गुना बेहतर हूँ, तीन गुना बेहतर। सुनो, समझ गए? हाँ ठीक है। वो वहां है, आओ, दरवाजा खुला है, जल्दी करो। जमीन को मौत की खाई बना दो। रुको रुको, क्या हुआ? ये कौन सी जगह है? यह प्रशिक्षण केंद्र है जो जादुई पत्थरों से संरक्षित है, लोकी की पहुंच से दूर। यहाँ बिना इजाजत कोई दुश्मन नहीं आ सकता। हमें दरवाजे से अंदर जाना होगा, चलो। दरवाजा जिंदगी के पेड़ तक पहुंचने का अद्भुत शस्त्र के लिए। ऐसा नहीं हो सकता, ये तो खुफिया जगह है, लोकी इसे कैसे तबाह कर सकता है? तबाह क्या, मिडगार्ड का सीधा दरवाजा। शायद नारनस ने यह सब कुछ किया होगा। नारनस ने? पर वो तो इस बारे में शांत रहती है। मुझे यकीन नहीं है। मैं तुम्हें सुन सकता हूँ, जो होना है उसके लिए देरी क्यों? वो कहाँ है? वो जादुई पत्थरों से सुरक्षित दीवार के उस पार है। मैं उसे देख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन वो है। ओडिन चला गया है, अब वो अद्भुत शस्त्र मैं हथियाऊंगा। हमें उससे लड़ना ही होगा। हम लोकी से कैसे लड़ सकते जब किस्मत ही हमारे खिलाफ है? मैं किस्मत पर भरोसा नहीं करता। तुम खेलना चाहते हो? मेरे पास खुद का खेल है, तो मैं खेल सकता हूँ। हम फंस चुके हैं। एक ही रास्ता है कि हम रात होने तक रुके, फिर यहाँ से निकल जाए। योद्धाओं का देवता रात को भागा नहीं करता। योद्धा अपने छल कपट का इस्तेमाल करते हैं युद्ध को जीतने के लिए। और उन्हीं का सहारा लेकर वार करता है। लो, मैं काफी वार कर चुका हूँ। फिर भी सहन शक्ति से बढ़कर है। तुम्हें किसने लड़ना सिखाया? मैं खुद सीखा हूँ। जब मैं छोटा था तब मेरे भाई को तैयारी करते हुए देखता था। तुम्हें किसने सिखाया?
वाल्क्यूरिस ने, जो देवताओं का रक्षक योद्धा है। मेरे दूसरे प्रशिक्षक ओडिन के पिता थे। वार करो। फिर से नहीं। कला सहन शक्ति से बढ़कर है। वार करो। लौकी के सामने तुम्हें कोई मौका नहीं मिलेगा जब तक तुम मेरी कला को ना सीख लो। तो तुम मुझे जल्दी से सिखाओ, क्योंकि मुझे जैसे ही मौका मिलेगा मैं लौकी को मार दूंगा। मैं तुम्हें सुन सकता हूं। ये काफी आरामदायक है। वो क्या है? वो आ रहे हैं। पर तुमने तो कहा था यहाँ कोई बिना बुलाए आ ही नहीं सकता। शायद मैं गलत थी। क्या? तो मैं कह रहा हूँ अगले मोड़ पर उसके साथ छल करते हैं, उसे मार कर खत्म कर देते हैं। देखो, तुम पूरी तरह सीख भी जाओगे ना, फिर भी हम दोनों मिलकर उसका मुकाबला नहीं कर सकते। हमें मिडगार्ड जाना होगा, वहाँ से हमें कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा। पर दरवाजा तो तबाह हो चुका है। वहाँ एक और रास्ता है, चलो। देखो उन्होंने मेरे पिता की जमीन के साथ क्या किया है। ओडिन के गुजर जाने के बाद आस्कर तबाह हो गया। तुम्हें दूसरी दुनिया बचानी है। देखो देखो, नई जिंदगी पनपनी शुरू भी हो गई है। इसका मतलब कि उम्मीद है। वो दरवाजा बस उन पेड़ों के पीछे है। नहीं, मत जाओ, मत जाओ। चाहिए था, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हें अद्भुत शस्त्र चाहिए ना? ये लो, ये लो।
मुझे बताओ वो अद्भुत शस्त्र नहीं था जो तुमने लोकी को दिया? बिल्कुल नहीं था। मैंने देखा उसे। वो बस एक कुल्हाड़ी थी, मैंने तो बस उसे चकमा दिया था। पर मैंने उसे देखा। तुम तो जादू के घेरे में थे। चलो लोकी ज्यादा दूर नहीं है। मेरा घर वहां पर है। जान बचाने के लिए अब तुम अंजाम भुगतोगे। अपना वॉलेट निकालो। थोर, हमें ऐसे लोगों की नजर में नहीं आना चाहिए। चलो चलते हैं यहाँ से। चलो इस तरफ से। चलो ये किसी देवी के रहने की जगह तो नहीं लग रही है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि लोग मुझे इंसान समझते हैं। वो तो जिंदगी के पेड़ में भी विश्वास नहीं करते। ये लो, पहन लो इसे, तुम पर किसी को शक नहीं होगा। लो इसे, लो ध्यान से, ये बहुत शक्तिशाली है, मिडगार्ड से है। इसे तुम इस्तेमाल कैसे करती हो? देखो बस अपनी उंगली यहाँ रखो, यहाँ से ऊपर जाएगा। बढ़िया, ध्यान रखना कि खींचा हुआ है। अब ट्रिगर खींचो। इसे तुम भाले की पकड़ ही समझो। ओह। और अपनी स्नोक को अपने निशाने पर ले आओ। बढ़िया, तुम्हारे इंसान अपने हथियार को अच्छे से जानते हैं। वो भी योद्धा होते हैं, देवताओं की तरह। मैं तुम्हारे इंसानों की ही तरह शुरुआत कर रहा हूं। इस वक्त हम यहाँ हैं और जो दरवाजा जिंदगी के पेड़ के दिल तक जाएगा वो यहाँ है, पर इसे हमें खुद ही खोलना पड़ेगा। कैसे? पेड़ हमें बताएगा कि कैसे करना है, बस अंधेरा होने का इंतजार करना पड़ेगा। चलो इसे करते हैं। हमें शायद अभी निकलना होगा।
शस्त्र पाने के लिए जिंदगी के पेड़ के दिल तक जाने के लिए जो दरवाजा है उससे हमें गुजरना है, और वो वहां है। दरवाजा तो ढक दिया गया है। क्या तुम कुछ महसूस कर सकते हो? दीवार? हमें दरवाजे के अंदर जाना ही होगा, नहीं तो शस्त्र हम हासिल नहीं कर पाएंगे, नहीं तो वो अदृश्य हो जाएगा। फिर लोकी के पास जाएगा। यही ना? हाँ हाँ, वो तो इसके पीछे है ही, हमें इसे खोलना होगा। अद्भुत शस्त्र, अब अपना चमत्कार दिखाओ। थोर, मुझे तुम्हारी जरूरत है। जरूरत? मेरे साथ ध्यान लगाओ, इसे खोलने के लिए हमें काफी शक्ति की जरूरत होगी। खुल जाओ, खुल जाओ, खुल जाओ। महसूस कर सकते हो ना, हर तरह की जिंदगी का निचोड़ है यहां पर, बिल्कुल उसके धड़कते दिल के नीचे। वो क्या है? वो दिल की धड़कन है, वो वहां नीचे से आ रही है। रुको रुको। हाँ? अगर वो जाल हुआ तो तुम्हें रुकना चाहिए। क्यों? तो अगर तुम मर गए तो हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा, हम साथ में चलेंगे। ठीक है। तुम मुझसे बच नहीं सकते थोर, मैं अद्भुत शस्त्र हासिल करके रहूंगा। वहां दूसरी तरफ है और शस्त्र के साथ है, घुस जाओगे तो वहां पहुंच जाओगे। क्या साथ नहीं चलोगे? यह सफर सिर्फ तुम्हें तय करना है। वहां एक योद्धा है जो जिंदगी की पेड़ की रक्षा करता है, तुम्हें उसे हर हालत में हराना है।
मेरा दिल। शस्त्र कहां पर है? थोर। पिताजी। थोर मेरे बेटे, मेरे पितरों की शक्ति अब तुम में है। अद्भुत शस्त्र इस्तेमाल करो, उसे ढूंढो। ये अद्भुत शस्त्र ले लो बेटे, अब शक्ति तुम्हारी है, तुम्हारी है, तुम्हारी है। जिंदगी के पेड़, शुक्रिया तहे दिल से तुमने जो हमें कुछ भी दिया उसके लिए। मुझे शक्ति दो ताकि मैं तुम्हें तबाह होने से बचा सकूं। लोकी कैसे समझेगा कि हम आ चुके हैं? वो जान जाएगा। हमें उसे वापस असगर ले जाना होगा। मैं लोकी को ढूंढकर उसे मारने जा रहा हूँ। लोकी का मुकाबला करने के लिए तुम अभी तैयार नहीं हो। क्यों? मेरे पास अद्भुत शस्त्र है, मेरे पास नियत है, मुझे और क्या चाहिए? तुम्हारे पिताजी की शक्तियाँ, तरीके और सेना। वैसे मेरे पास सेना नहीं है, तो ये काम मुझे अकेले ही करना होगा। तुम अकेले नहीं कर पाओगे थोर। तुम्हें मुझसे थोड़ा दूर ही रहना होगा। जब मैं अकेला रहूंगा तभी लोकी आएगा। मुझ पर यकीन करते हो थोर? हाँ। हमें वापस प्रशिक्षण केंद्र जाना होगा। प्रशिक्षण केंद्र क्यों? तुम्हारा प्रशिक्षण जारी रखने के लिए, ताकि एक दिन तुम लोकी को हरा सको। एक दिन? मुझे लोकी को अभी हराना है। तुम अभी तैयार नहीं हो। हमें वापस प्रशिक्षण केंद्र जाना होगा। वैसे हमें वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। मैंने जादुई पत्थर ले लिया था और उसे तुम्हारे घर पर रखा है। ओह बढ़िया, तो मेरे घर वापस चलते हैं और तुम्हारा प्रशिक्षण जारी रखते हैं। प्रशिक्षण नहीं, छुपना नहीं। मैं लोकी को मारकर तबाही रोकूंगा, बस यही होगा। मुझे पता है लोकी यहीं कहीं है। लोकी बाहर निकलो और मुझसे लड़ो। लोकी, ओडिन के बेटे, तुम्हारी बराबरी मुझसे नहीं है। अद्भुत शस्त्र दो, खुद को बचाओ लोकी। चलो यहां से। मुझे माफ कर दो, जैसे ही मुझे मौका मिला मुझे उस पर वार करना चाहिए था। तुम वीर हो, जल्दबाज, बेवकूफ पर वीर। तुम यहीं रुको, मैं दरवाजा देखकर आती हूँ। जन साक्षा, तुम एक बेहतरीन योद्धा हो,
तुम्हारा शुक्रिया। बंद हो चुका है। बढ़िया, मैं उसके पीठ पर वार करके खुश हो जाऊंगा। नहीं नहीं, थोड़ी देर पहले तुम खत्म हो चुके थे, अद्भुत शस्त्र गवा चुके थे। वैसे ऐसा फिर नहीं होगा, तुम मेरे साथ हो ना, तुम मेरे साथ हो ना। जनसाख्या पे भरोसा नहीं कर सकते, उसने शैतानों को चुमा है, वो मिडगर्ड के लिए कठिन है, तुम्हें उसे मारना ही होगा। थोर, थोर। मुझे सिर्फ अद्भुत शक्ति चाहिए। थोर, उसकी बात मत सुनो। मार दो। वो तुम्हारे मन के साथ खेल रहा है, वो शैतान है, वो सांप है, बहुत बड़ा झूठा धोखेबाज है। थोर, थोर। घर वापस जाना होगा ताकि हमें जादुई पत्थर की सुरक्षा मिल सके। नहीं, हम उसे मार सकते हैं, कसम से। थोर, नहीं नहीं। थोर, ये पागलपन है। वो झूठा है, धोखेबाज, जो दिख रहा है उस पर यकीन मत करो। शायद नॉन-नर्स सही थे, धरती तबाह हो चुकी है। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा, मैं नॉन-नर्स को मेरी तकदीर बुनने नहीं दूंगा और ना ही तुम्हारी। हम लोकी को मार नहीं सकते, हम दोनों भी नहीं, 10 लोग भी नहीं। हमें ओडिन की तरह शस्त्र को छुपाना पड़ेगा। कब तक? शायद बरसों के लिए, जब तक तुम पूरी तरह तैयार नहीं हो जाते। पर सब कुछ खत्म हो जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोकी देवता और लोगों के साथ क्या करता है, जब तक जिंदगी का पेड़ शक्तिशाली है, दोबारा सब कुछ बन सकता है। जब रात हो जाएगी हम वापस जाएंगे तुम्हारे घर की सुरक्षा में। तुम में तुम्हारे पिता और भाई की शौर्य है थोर। तुमने मेरा दिल जीत लिया है जर्न साक्षा, पता है? और तुमने मेरा। एक दिन तुम विश्व की शक्तियों को एक करने के काबिल बन सकते हो। उसे तुम्हारी बाहों से बिजली की तरह कड़कने दो थोर। थोर, मुझे अद्भुत शस्त्र दे दो थोर। बढ़िया, इस शस्त्र की शक्ति को महसूस करो। हाँ।
दो थोर। तुम्हारा शस्त्र, इसका इस्तेमाल करो, इस शस्त्र की शक्ति को महसूस करो। और इसके बगैर तुम भी बेकार हो। रुको! तुम्हें नहीं पता ये तुम्हारे पिता को वापस ला सकती है। क्या मतलब है तुम्हारा? बोलो। तुम्हारा पिता, तुम्हारा भाई, इस अद्भुत शस्त्र की शक्ति उन्हें नर्क में भेज सकती है और उन्हें नर्क से वापस ला सकती है। इसे कैसे इस्तेमाल करूं? बोलो, बताओ मुझे। मुझे जिंदा रहने दो। और तबाही का क्या? मैं वादा करता हूं कि कोई तबाही नहीं होगी, कभी नहीं होगी। तुम झूठे और धोखेबाज शैतान हो। कोई तबाही नहीं होगी। तुम सब सुरक्षित हो, तुम सब सुरक्षित हो। मुझे शस्त्र दे दो तो मैं तुम्हें जिंदा रखूंगा। मुझे दे दो। मैंने कर दिया। तुम फिर कभी? मैंने उसे मार दिया, मैंने लोकी को मार दिया, मैंने उसे हराया, वो मर गया, मैंने उसे पिघलते देखा, मैंने उससे उसकी शक्तियाँ छीनते हुए देखा। तबाही खत्म हो चुकी है। तुमने शैतानी शस्त्र ले लिया, ये श्राप है, तुम्हें इससे छुटकारा पाना होगा। पर मुझ में अब उसकी शक्ति है। पर ये काम का नहीं है, लोकी की शक्तियाँ खराब हो चुकी है, वो सड़ चुकी है। क्या तुम खुश नहीं हो? लोकी जा चुका है, उसके जानवर जा चुके हैं। ये छल है। ये कोई छल नहीं है। हाँ ये छल है, वो इसलिए क्योंकि लोकी छल करता ही है। मैं जो कुछ खुद करता हूँ वो गलत क्यों होता है? क्यों? क्योंकि तुम नादान हो, तुम में तजुर्बा नहीं है, तुम में कला से ज्यादा वीरता और दिलेरी है। पर मैं मेरे भाई और पिताजी को वापस लाने जा रहा हूँ, तुम देखना। वो सब झूठ है। हम मृत्युलोक के नहीं है, हम देवता है। वो मस्फेलहम के क्षेत्र में फंस चुके हैं और तुम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते। ये उनकी किस्मत है। उनकी किस्मत मेरी किस्मत है और मैंने मेरी किस्मत बदल दी है। क्या मैंने लोकी को नहीं हराया? क्या मैं मर गया हूँ जैसे नॉर्नस ने कहा था? तुम्हारी कहानी खत्म नहीं हुई और जब होगी तब तुम्हें पता चलेगा कि नॉर्नस ने शुरुआत से ही तुम्हारी कहानी उनके कपड़े में बुन रखी है। तुम्हारे पिताजी और तुम्हारे भाई जा चुके हैं और तुम किस्मत नहीं बदल सकते। हम कहाँ जा रहे हैं? मेरे घर पर, जहाँ मैं तुम्हें पहले से ही ले जाना चाहती थी, जहाँ तुम सुरक्षित रहो। तुम्हें पहले उस गंदी चीज से छुटकारा पाना होगा ताकि तुम शैतान न बनो। जिंदगी के पेड़, जिंदगी के पिता, इन दरवाजों की पहरेदारी करो ताकि कोई बिन बुलाए ना आ सके। उस गंदी चीज को तोड़ दो, शस्त्र का इस्तेमाल करो। करूंगा। उसकी तरफ देखो भी मत। तुम कहां जा रही हो? लोकी सच में मरा है कि नहीं उसके सबूत ढूंढने, और जब तक मैं वो सबूत ढूंढकर नहीं लाती तुम मुझसे एक वादा करो कि तुम इन दीवारों की सुरक्षा छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। मैं वादा करता हूँ। पिता की कसम खा के कहो कि कहीं नहीं जाओगे। मैं मेरे पिता की कसम खा के कहता हूँ नहीं जाऊंगा। तुम वीर हो थोर, तुम्हें बहुत कुछ सीखना है। उस चीज को तोड़कर जला दो। मेरे पिता को वापस जिंदा करो। मेरे पिता ओडिन को वापस जिंदा करो। पिताजी, मैं मेरे पितरों तक पहुंच के आपको हासिल करूंगा। ओडिन को वापस ले आओ।
पत्थरों के घेरे में कैसे आए? तुमने मुझे बुलाया? मैंने तुम्हें मार दिया था, तुम मर चुके हो। मर चुका था? मैं जिंदा कब था? मुझसे हाथ मिलाओ, मैं तुम्हारे परिवार को जिंदा रखूंगा। मेरा परिवार? तुम्हारा मतलब मेरा परिवार मेरे पिताजी मसफेलम में जल रहे हैं? और तुम्हारा भाई भी। मुझे शस्त्र दे दो और मैं सबको वापस लाऊंगा। झूठे। चलो आओ। मैं जेल से नहीं बैठूंगा जब तक वो हासिल ना कर लो। मुझे माफ करो, ज्यादा दिमाग चलाने के लिए मुझे माफ करो। क्या तुम तैयार हो थोर? मैं जो कहूंगी वो तुम मानोगे? हाँ, मैं मानूंगा जो तुम कहोगी, मेरे पिता के लिए जो नर्क में जल रहे हैं। बढ़िया, तो मेरी बात सुनो, हम तुरंत वल्हाला लौट चलते हैं। लोकी को जो मर्जी करने दो, लोगों को बर्बाद करने दो, इमारतें तोड़ने दो। उस शस्त्र को लोकी से दूर रखो तो मैं तुमसे एक वादा करती हूँ, एक दिन तुम वापस आओगे लोकी को सड़ते हुए देखने के लिए। कैसे हो मेरे पालतू? वो गरीब है, वो किस्मत से नहीं बच सकता। हम यहाँ दरवाजा बना सकते हैं, उसे बनाने के लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत होगी। पर असगढ़ रेत और राख का ढेर बन चुका है, वो तबाह हो चुका है। हम जगह ढूंढ लेंगे, मैं तुम्हें और शस्त्र को छुपा दूंगी। मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं यहाँ रहूंगा धरती को बचाने के लिए। थोर सुनो, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मेरी बात सुनो। हमें शस्त्र को लोकी से दूर रखना होगा, इकलौता हथियार है जो जिंदगी के पेड़ को खत्म कर सकता है। जब तक पेड़ जिंदा है तब तक सब फिर से पनप सकता है, मान जाओ। ठीक है। बढ़िया, अब अपने सामने शस्त्र को कस के पकड़ो, इसकी शक्तियों को एक करो, तुम्हारे अंदर की चाहत इसे खोल देगी। अब पहले तुम इससे अंदर जाओ। जर्न साक्षा, तुम्हें लगता है कि मुझमें शक्तियां हैं कि मैं इसे आखिरी तक अपने साथ रख सकूं? मेरा मतलब मुझे लड़ना भी पड़े तो? हाँ, तो तुम तो मेरे लिए देवता से भी ज्यादा हो, मेरे मालिक के बेटे हो जिनकी मैंने सेवा की। तुम्हें अगर दिल से लगता है कि तुम्हें लड़ना है तो मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगी और मरूंगी भी, क्योंकि मैं तुम्हारी सैनिक हूं। तो फिर तुम जाओ और इसे ले लो, इसे छुपाओ, इसकी रक्षा करो, लोकी से इसे सुरक्षित रखो। मैं ये धरती नहीं छोड़ूंगा जब तक इसे बचा नहीं लेता या मुझे मौत नहीं आ जाती। नहीं। इसे लो, जल्दी करो, इससे पहले की देर हो जाए। नहीं, मैं तुम्हारे बिना नहीं जाऊंगी। नहीं। तुम मरोगे जमीनी कीड़ों, जमीन से बाहर निकलो, मेरे सामने आओ। तुम मुझसे लड़ नहीं सकते थोर, आ जाओ मेरे पास।
रोकती हूँ, जाओ। तुम मुझसे नहीं लड़ पाओगे थोर। किस्मत मेरी तरफ से, विश्व का हर धागा तुम्हारे खिलाफ है। विश्व के धागे की ऐसी की तैसी। मेरा अधिकार है इस पर। मैं यहीं रुकूंगा। मेरे घर चलो, जादुई पत्थर हमें सुरक्षा देगा। नहीं, दरवाजा मेरे घर में खुलो, दरवाजा। तेरा क्या, तेरा क्या होगा? कैसे बचा पाएगा तेरा थोर? जन्म साक्षा, मैं आ गया, सब ठीक हो जाएगा। मुझे लगा कि तुम कभी नहीं आओगे। तुम्हें यहां से बाहर निकालना ही है। मेरे पास जख्म सही करने की दवा भी है। मुझे यही छोड़ दो। नहीं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। जन्म साक्षा, बहुत मोहब्बत है।
हैं साक्षा। मैं हमारी किस्मत नहीं बदल सका। मुझे माफ कर दो। पिताजी मुझे माफ कर दीजिए। तुम अभी तक हारे नहीं हो मेरे राजा। हाँ तुम मेरे राजा हो। आसगढ़ के सम्राट जो विश्व पर राज करेगा, हर प्रांत का रक्षक कहलाएगा। हम अच्छे हाथों में हैं, तुम्हारे हाथ में, इसलिए तुम अभी तक हारे नहीं हो। हाँ हो, मैं चाहता हूं कि तुम मिडगढ़ के आखिरी लम्हों के गवाह बनाओ, जब ये ग्रह मेरे नए साम्राज्य का दरवाजा बनेगी। ये जिंदगी का अंत है, वक्त का अंत, और तुम्हारा भी अंत। बिल्कुल नहीं, तुम पुराने ख्वाबों से चिपके हुए हो, तुम शर्मिंदा। मैं चाहता हूं कि तुम कड़वाहट महसूस करो मेरी बढ़ती हुई शक्ति की। अपने कीड़ों और कुत्तों के पास वापस चले जाओ और नौ प्रांतों के असली देवताओं को चैन से जीने दो। जल्द ही नौ प्रांतों का वजूद मिट जाएगा। अरे असर का वक्त खत्म हो चुका है और मैं अगले साम्राज्य का राजा बनूंगा। थोर नहीं, अब तुम मस्फलम आग में जाओगे। इस आग की गहराई में तुम्हारा बाप तुम्हारा इंतजार कर रहा है और दूसरे भी। जिंदगी के पेड़ को खत्म कर दूंगा और तबाही का आखिरी पड़ाव शुरू करूंगा। बंद हो जाओ, ये वक्त है। मैं जा चुकी हूं और अब तुम तैयार हो। तुमसे बढ़कर कोई नहीं है, कोई नहीं है तुमसे बढ़कर, तुमसे बढ़कर कोई नहीं है। खुद अपना अद्भुत शस्त्र बनाऊंगा।
मर जाओ जिंदा, मर जाओ।
उस अद्भुत शस्त्र की शक्ति मुझसे ताल्लुक रखती है। अब लड़ने के लिए कुछ नहीं बचा, खेल खत्म। कुछ भी खत्म नहीं हुआ है, हम अपनी तकदीर खुद बनाते हैं। तुम्हारा दिल तब तक धड़केगा जब तक मैं जिंदा हूं। तुमने यहां आने की हिम्मत कैसे की ऑडिन के बेटे? तुम अमान्य हो। लोकी विश्व के अगले अध्याय का सम्राट होगा जब यह अध्याय समाप्त होगा। पर तुमने उसे मार दिया, वो मर गया, चला गया किस्मत की मर्जी के खिलाफ, जो यहाँ ध्यान से बुना गया था। दुनिया में अफरा तफरी मची है, बकवास अफरा तफरी। अब तुम क्या करोगे? ये दुनिया वो काबू करेंगे जो यहां रहते हैं, और ये अच्छे के लिए या बुरे के लिए हो सकता है। जो हम बनाएंगे वही सच्ची किस्मत होगी। Light on TV on sunshine.
could bring you to the night. Under starlight, waters feel so full and